आज के टाइम पर हमारी दुनिया में कई सारी वैक्सीन बन चुकी है, पर सवाल यह है कि हमें इनमें से कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। क्या ये सभी वैक्सीन एक जैसे ही काम करती है या फिर इन सभी वैक्सीन में कोई अंतर भी है, वो आज आप जानेंगे इस वीडियो में। इन सभी वैक्सीन को इनके काम करने के तरीके पर तीन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस वैक्सीन, जैसे कोवैक्सीन। इस टाइप की वैक्सीन में कोविड फैलाने वाले कोरोना वायरस को इनएक्टिव कर वैक्सीनेट किया जाता है, जिससे जो कोरोना वायरस आपके शरीर में डाला जाता है वो इनएक्टिव होने के कारण आपको कुछ नहीं कर पाता और आपका शरीर इससे इम्यून भी हो जाता है। सेकेंड टाइप की है वायरल वैक्टर वैक्सीन, जैसे कोविशील्ड एंड रसिया की स्पुतनिक। इस टाइप की वैक्सीन में किसी और ही वायरस में उसका जेनेटिक कोड निकालकर इस कोविड 19 को फैलाने वाले कोरोना वायरस का आरएनए डालकर वैक्सीनेट किया जाता है। कोविशील्ड की सेकेंड डोज लगभग 8 हफ्ते बाद लगवाने पर यह आपको लगभग 90% तक इम्यून कर देती है। थर्ड है एमआरएनए वैक्सीन, जैसे फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन। इस टाइप की वैक्सीन में कोरोना वायरस से एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए निकालकर उसे ह्यूमन बॉडी में वैक्सीनेट किया जाता है। फाइजर वैक्सीन की डोज लगवा लेने के बाद यह आपको 95% तक इम्यून कर सकती है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट कर बताइए कि आप इनमें से कौन सी वैक्सीन लगवाएंगे, और अगर आपने पहले से ही वैक्सीन लगवा ली है तो कमेंट कर बताइए आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई थी।